सो अभी मैं मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करता हूँ यूट्यूब पर, दीप सिन्हा एंड यहाँ पर सर्च। सो देखो यहाँ पर मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो एकदम सर्च रिजल्ट में फर्स्ट पर ही आ गया। ओके, तो अगर सेम तरीके से आप भी अपने यूट्यूब चैनल को एकदम फर्स्ट में ले आना चाहते हो सर्च रिजल्ट पे, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। मैं आपको पूरा मामला समझाऊंगा कि कैसे आपको अपना यूट्यूब चैनल सर्च रिजल्ट में फर्स्ट में लाना है, कैसे रैंक करवाना है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके यूट्यूब चैनल के लिए। ओके, तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको ये करना है। 100% वर्क करेगा, एकदम गारंटी वर्क करेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पे सर्च रिजल्ट पे एकदम फर्स्ट में ले आना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ें एकदम अच्छे से जान लेना है। जैसे कि आपको अपना यूट्यूब चैनल का जो नेम है वो यूनिक रखना है, सबसे अलग होना चाहिए। एंड अगर देख रहे हो कि आपके चैनल के नेम से बहुत सारा यूट्यूब पर चैनल्स है तो आपको ट्राई करना है उस नेम को अवॉइड करने की। ओके, एंड अगर देख रहे हो कि मुझे यही नाम रखना है तो आपको ये चीज़ अच्छे से नोटिस कर लेना है कि उस नाम से जो भी चैनल है वो इनएक्टिव है या फिर एक्टिव है, यानी कि मतलब उन्होंने कब वीडियो लास्ट वीडियो कब अपलोड किया था। अगर आप देख रहे हो कि हाँ 2-3 दिन पहले लास्ट वीडियो अपलोड किया है, मतलब वो रेगुलर वीडियो अपलोड करता है, तो आपको वहाँ से उस नेम से पूरा हट जाना है, उस नेम को नहीं रखना है, क्योंकि भाई वो कभी भी यूट्यूब पर ग्रो कर सकता है। ओके, एंड अगर आप देख रहे हो कि 1 साल 2 साल 3 साल पहले लास्ट वीडियो अपलोड हुआ है, कि मतलब उस नेम से जो भी चैनल्स है वो सारे इनएक्टिव है, तो आप उस नेम से अपना चैनल रख सकते हो। ओके, ये काम अच्छे से देखना। मेरा अगर जाके देखोगे वो सारा इनएक्टिव है, मैंने इसलिए ये वाला नेम चूज़ किया। एंड जो दूसरा चीज़ है वो है कि आपको अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड करना है, इनएक्टिव नहीं होना है, आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करते जाना है। क्योंकि अगर आप थोड़ा इनएक्टिव हो जाओगे तो दूसरा कोई आ जाएगा एंड आपके चैनल का जो नेम है उस चैनल से नेम रख देगा। ओके, ये चीज़ बहुत ही होता है, मैंने देखा है यूट्यूब पर बहुत सारे भाई लोगों के साथ हुआ है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से मेंटेन करके चलना है। ओके, तो अभी हम लोग पूरा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करने से हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस वो सारे रिजल्ट में फर्स्ट में आ सकता है। ओके, सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ मेरे पीसी के स्क्रीन पर। देखो, तुम लोग अगर अपने मोबाइल से यूट्यूब चैनल को मेंटेन करते हो तो कोई बात नहीं, तुम लोग मोबाइल से भी कर सकते हो। जस्ट मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए पीसी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं भी बाकी सब काम मोबाइल से ही करता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना है अपने यूट्यूब चैनल के डैशबोर्ड पर, studio.youtube.com/channel जो आपका YouTube स्टूडियो होता है वहाँ पर आपको आना है। तो यहाँ पर आने के बाद बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको अपनी YouTube चैनल को सर्च रिजल्ट में एकदम फर्स्ट में रैंक करवाने के लिए आपको एक चीज़ सिर्फ करना है। तो देखो मैं आपको पूरा एक बार समझा दूंगा, यहाँ पर आप लोग अच्छे से वीडियो को देखो। तो यहाँ पर जब आप लोग आ जाओगे तो यहाँ पर आपको नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर देखो एकदम ऊपर में है डैशबोर्ड, ठीक एकदम लास्ट में चला जाओ सेंड फीडबैक, ठीक उसके ऊपर सेटिंग का ऑप्शन है सेटिंग्स, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ओके, तो देखो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने छोटा मोटा खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे और ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि जनरल, चैनल अपलोड, डिफॉल्ट्स, परमिशन, कम्युनिटी एंड एग्रीमेंट्स। तो आपको इनमें से जाना है चैनल पे। ओके, तो यहाँ पर जब आप चैनल पे जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। तो आपको आपका जो काम है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन में ही होने वाला है, तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आने के बाद अगर आपने ये टैब कभी यूज़ नहीं किया है, कभी भी इस टैब को कस्टमाइज़ नहीं किया है, तो आपके सामने पूरा सिंपल इंटरफेस होगा। ये पर जो कीवर्ड वाला सेक्शन है, यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारे कीवर्ड डाल के रखा है, ये आपका नहीं होगा। ओके, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, जो भी आपका चैनल का नेम होगा उसके मुताबिक आपको जो है आपका देना है। ओके, जैसे कि मेरे YouTube चैनल का नेम है दीप सिन्हा, मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाता हूँ क्लोज करके। यहाँ पर देखो मेरे YouTube चैनल का नेम है दीप सिन्हा, तो यहाँ पर इसके मुताबिक मैंने बार बार से दीप सिन्हा वगैरह वगैरह दे के रखा है। देखो और वो जाता हूँ एंड यहाँ पर देखो कीवर्ड्स में दीप सिन्हा दीप टेक, टेक्निकल रिलेटेड, जिस रिलेटेड से है टेक्नोलॉजी, हाउ टू अनबॉक्सिंग यूट्यूब, कुछ ऐसे मैंने दे के रखा है। देखो जो दीप सिन्हा है उसको मैंने अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं उनको छोटा बड़े कर कैपिटल ए वगैरह करके दिया है। ओके, जैसे कि फर्स्ट वाले में डी बड़ा है, सेकंड वाले में डी एस दोनों छोटा है, नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का है वो उसमें डी बड़ा है एस छोटा है, जो कि फर्स्ट वाले में दो था। ओके, डी एस दो बड़ा था। ओके, तो ऐसे ही आपको अपने यूट्यूब चैनल के साथ करना है, जो भी आपका नेम होगा यूट्यूब चैनल का उसको आपको देना है। एंड ठीक देने के बाद आपके ऊपर नीचे सेव का बटन देखने को मिल जाएगा, जो कि अभी मेरा नहीं आएगा क्योंकि मैंने पहले से करके रखा, तो आपको सेव में क्लिक कर देना है।
तो अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो जब आप क्लोज मतलब सेव में क्लिक करोगे करने के बाद तब भी आपका काम बन जाएगा। एंड यहाँ पर कंट्री ऑफ रेसिडेंस, आप जहाँ से बिलोंग करते हो, जहाँ से रहते हो, वहाँ का जो कंट्री है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं अभी इंडिया में रहता हूँ फिलहाल, तो मैं इंडिया सिलेक्ट मैंने करके रखा है। तो यहाँ पर सेव पे आपको क्लिक कर देना है, तो क्लोज क्लिक कर देता हूँ। एंड ठीक इसी चीज़ को करने के बाद देखो, यूट्यूब बोलता है कि 1 से 2 घंटे में पूरा काम हो जाता है, लेकिन अगर आपके 1 से 2 घंटे में नहीं होता है तो आप टेंशन मत लो, 1 दिन में आपका काम बन जाएगा। आप 1 दिन बाद यूट्यूब पे जाके अपना चैनल सर्च करो, आपका यूट्यूब चैनल एकदम सर्च रिजल्ट पे फर्स्ट पे आ जाएगा। एंड हाँ, जैसे कि मैंने वीडियो पे ही पहले ही बोला था कि देखो, जितना हो सके चूज़ करो यूनिक नेम, ऐसा नेम लेने की कोशिश करो जो कि किसी के यूट्यूब चैनल पर नहीं है, ओके। एंड अगर देख रहे हो कि हाँ तुम्हें वही नेम लेना है लेकिन वो नेम पहले से है किसी के चैनल पर, तो देखो कुछ उसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐड करो, जैसे कि 2.0 देख सकते हो, 2.0 देख सकते हो, कुछ यूनिक कैरेक्टर ऐड कर सकते हो उस नेम पे, ओके। तो यही था आज का वीडियो। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, ओके। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ यार, और वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, क्या करूँ यार, पता नहीं क्यों लेट आ रहा है, मन भी नहीं लग रहा है काम करने में, और मतलब एक बार से मतलब फीलिंग्स भी आ रहा है कि यूट्यूब इतने धीरे से कर रहा हूँ यार, और अगर ऐसा टाइम पे आके छोड़ दिया तो क्या होगा। देखो डर भी है और यहाँ पर काम करने का अच्छा कोई मन भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी यूट्यूब पे फिर से वापस आऊँ, यूट्यूब पे एकदम जो है काम करना स्टार्ट कर दूँ पहले के जैसा, जब मैं यूट्यूब स्टार्टिंग किया था तब जैसा काम करता था वैसा ही स्टार्ट कर दूँ, वो सोचता हूँ, लेकिन बाद में माइंड चेंज हो जाता है यार, क्या करूँ मैं, बोलो तुम लोग थोड़ा मुझे सजेस्ट करो क्या करना चाहिए मुझे इस टाइम पे, ओके। तो और गाइस देखो, अगर वीडियो पसंद आई है तो मैंने कोशिश की वीडियो क्वालिटी वगैरह जितना हो सके इम्प्रूव करने की, बाकी मैंने यार बहुत 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 मेहनत किया है इस वीडियो के ऊपर। तो तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे इस वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलूँगा तुम लोगों के साथ। यार ख़राब भी लगता है कि यूट्यूब पर क्यों वीडियो ना मैं नहीं बना रहा हूँ, एंड मतलब मन भी नहीं लगता यार क्या ही करूँ मैं, ओके। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार तुम लोग अपना ख्याल रखना, मेरे YouTube चैनल पर एक दो बार विजिट करते रहना, ओके। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।